देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है और ये ए एक्सेलरेशन से राइट की तरफ जा रहा है, जैसे हम लास्ट टाइम सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट भी करते थे और प्रेशर सीखा था हमने, तो मुझे पता है कि सी का प्रेशर ए से तो ज्यादा हो गई होगा, तो ये डिस्टेंस एल आई एच है, मुझे क्या निकालना है पी बी माइनस पी ए। एक काम करते हैं, पहले हम हॉरिजॉन्टल लेते हैं, सी का प्रेशर ए से ज्यादा है कितना, पी सी माइनस पी ए इज एच रो जी की जगह एल रो ए, ये स्टेप क्लियर है। तो यहां से पी सी की वैल्यू आ गई, पी ए को राइट साइड पे ले गए। अब इन दोनों पॉइंट्स में से बी का प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि लिक्विड की हाइट है, कितना ज्यादा होगा पी बी माइनस पी सी, तो पी बी माइनस पी सी इज इक्वल टू एच रो जी। तो आप इस पी सी की वैल्यू को, पूरी की पूरी वैल्यू को यहां पुट करें, इसको पी इसको ओपन करें, तो पी बी माइनस पी ए एल रो ए राइट पे जाएगा, दिस इज द आंसर, ये आंसर आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। इस प्रॉब्लम को देखें जरा, क्या प्रॉब्लम है, विद हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ए, ठीक है, ए एक्सेलरेशन से ट्यूब राइट्स की तरफ जा रही है, तो लिक्विड का लेवल पहले बराबर था, पर अब क्या हुआ, अब लेवल चेंज हो गया, क्यों, जब तक आप एक्सेलरेट करवाओगे यहां पे फोर्स ज्यादा लगेगी, सूडो फोर्स की वजह से लिक्विड यहां ज्यादा चढ़ गया, तो एच वन एच टू चढ़ गया। आपको बताने की ए एक्सेलरेशन क्या होगी, रूल एक ही है कि आप इसमें यहां का अगर प्रेशर निकाल ले तो क्या होगा, एटमोस्फेरिक प्लस एच वन रो जी, और अगर यहां का प्रेशर निकालें तो पी एटमोस्फेरिक प्लस एच टू रो जी। अब वन पॉइंट का प्रेशर टू से क्या होगा, ज्यादा, पीछे का प्रेशर ज्यादा होगा, तो कितना पी वन माइनस पी टू क्या होगा, एल रो ए, हॉरिजॉन्टल में जी नहीं, हॉरिजॉन्टल में ए, तो एल रो ए, पी वन की वैल्यू ये उठा के यहां पे, P2 की वैल्यू उठा के इसकी जगह यहां पे, दोनों को माइनस, ये कैंसिल हो गया, रो जी कॉमन आ गया, H1 माइनस H2 की फॉर्म में A कैन बी कैलकुलेटेड आंसर आ गया। मेथड समझ में आ गया कि कैसे करना है, ठीक, इंटरेस्टिंग है, प्रेशर रोटेशन से तो बेटर है कि नहीं, रोटेशन ज्यादा बेटर था वैसे, पर प्रेशर भी कम नहीं है, प्रेशर भी अच्छा है, इलास्टिसिटी तो बेटर ही है। और वैसे एक और मजे की बात बताता हूँ, प्रेशर से ज्यादा इंटरेस्टिंग फ्लूइड फ्लो है, जो भी आएगा वो ज्यादा बढ़िया है, इससे बेटर है, ये भी बेटर है, वो उससे भी बढ़िया लगेगा आपको। ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग,
नेक्स्ट देखो, कुछ शॉर्ट नोट्स हैं जो फॉर्मूलाज कह सकते हो जो काम आएंगे. उनमें से पहला फॉर्मूला, अगर मान लो V1 V2 वॉल्यूम्स हैं, Rho1 Rho2 डेंसिटीज हैं लिक्विड की, और लिक्विड को आपने मिक्स किया, तो उस केस में मिक्सचर की डेंसिटी इज टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम. तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत क्या है? टोटल मास क्या होगा? V1 Rho1 प्लस V2 Rho2 मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इज V1 प्लस V2. आंसर ठीक, सिंपल, कोई याद करने की जरूरत नहीं. बिल्कुल सेम प्रॉब्लम फिर नोट है कि अगर मान लो दो लिक्विड है, सेम मास है लेकिन डेंसिटी डिफरेंट है, तो डेंसिटी मिक्सचर की क्या होगी? टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम. इस बार मास गिवन है m और m, वॉल्यूम गिवन नहीं, तो कोई बात नहीं, मास बाय डेंसिटी, मास बाय डेंसिटी सॉल्व करके आंसर आएगा. तो ये भी फॉर्मूला याद करने की शायद जरूरत नहीं है, ये वैसे ही आपको पता लग जाएगा जैसे मैं बता रहा हूँ. कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, अगर लिक्विड के एज डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है तो यहाँ पर प्रेशर क्या लगेगा? पी एटमोस्फेरिक प्लस एच रो जी, ये किया हुआ है. नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपके पास एक पेंडुलम है, पेंडुलम वाली प्रॉब्लम भी बहुत आती है पेपर में, तो अगर कोई पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड क्या है, 2π√ क्या, L डिवाइडेड बाय जी, तो अगर मैंने इस पेंडुलम के इस बॉब को लिक्विड में इमर्स कर दिया, पहले तो ये तो एयर में था, लिक्विड में इमर्स कर दिया, अब इसका नया टाइम पीरियड क्या होगा, ये क्वेश्चन है. ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया. अब लिक्विड में इमर्स करने से हुआ क्या? लिक्विड से इमर्स करने में ये बॉब है पेंडुलम का, धागा नहीं दिखाया, बस बॉब है. इसका वेट कितना है? mg. अब इसका वेट थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि लिक्विड इसके ऊपर क्या लगाएगा? अब थ्रस्ट. अब थ्रस्ट लगा दिया तो इसका नया वेट क्या होगा? एक्चुअल वेट में से क्या माइनस कर दें? अब थ्रस्ट. तो नया वेट, अब नए वेट में मास तो कभी चेंज होता नहीं, तो क्या चीज चेंज हुई होगी? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी डैश आ गया नया. इक्वेशन क्लियर है? तो अपरेंट वेट इज एक्चुअल वेट माइनस अब थ्रस्ट. अच्छा ये बताओ, मास इज व्हाट? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो मास में वॉल्यूम वी इनटू डेंसिटी किसकी? बॉडी की लिक्विड की. तो अगर मास बॉडी का तो डेंसिटी बॉडी की. सही बोल रहे हो? तो बॉडी का मास बॉडी की डेंसिटी, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है. लिक्विड का मास लिक्विड की डेंसिटी. अब थ्रस्ट निकालने में किसकी डेंसिटी? लिक्विड की, क्योंकि अब थ्रस्ट इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. देखो, मास बॉडी का तो वॉल्यूम बॉडी का, डेंसिटी बॉडी की. अब थ्रस्ट में डेंसिटी बॉडी की कभी नहीं आएगी, अब थ्रस्ट में डेंसिटी लिक्विड की आएगी. वॉल्यूम तो बॉडी का ही आएगा क्योंकि बॉडी का वॉल्यूम और लिक्विड डिस्प्लेस्ड का वॉल्यूम सेम है. कोई डाउट इसमें? और मास किसका? बॉडी का. तो डेंसिटी किसकी? बॉडी की. तो यहां से वी 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 कैंसल, रो नीचे आ गया, तो जी डैश आ गया. अब नया टाइम पीरियड क्या होगा पेंडुलम का? 2π√ बाय जी, नहीं जी डैश. तो इस जी डैश को उठा के यहां पुट कर दें, रो ऊपर चला गया, आंसर. ऐसा ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये. क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक?
मेंस का हुआ क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन दो बार आया है मेंस में। देखो देखो क्वेश्चन पढ़ना एक बार प्लीज, क्वेश्चन पढ़ो। देखो क्वेश्चन पढ़ लिया। देखो क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है, देखो क्वेश्चन में ये गिवन है कि सपोज आपके पास एक सर्कुलर ट्यूब है, ध्यान से देखना, सर्कुलर ट्यूब है। इस सर्कुलर ट्यूब के अंदर लिक्विड है, ये यहां से स्टार्ट है एक लिक्विड, और ये एक टाइप का लिक्विड है, मान लेते हैं यहां तक। एंड इसके बाद दूसरे टाइप का लिक्विड स्टार्ट हो जाता है, मान लेते हैं यहां तक। ठीक, अब ये जो पॉइंट है ये इंटरफेस है फर्स्ट लिक्विड का और सेकेंड लिक्विड का, इंटरफेस है ये, इसका सेंटर है। वो कह रहे हैं जो ये सेंटर है, सेंटर से जो रेडियस जाएगा ये वाला, और जो इंटरफेस को टच करता हुआ जाएगा, मान लो ये इनका इंटरफेस है, मान लो ये इनका इंटरफेस बाउंड्री है, इसने वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाया, थीटा। आपको थीटा बताना है इस डायग्राम को देखते हुए। ठीक, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे इसमें, ये जो इंटरफेस देख रहे हो ना, ये वाला, इसके यहां हम एक लाइन खींचेंगे कुछ इस तरीके से, रीजन
क्योंकि दिस पार्ट ऑफ लिक्विड एंड दिस पार्ट ऑफ लिक्विड इज एग्जैक्टली सेम, बराबर हो गया ना, देखो यहां से यहां तक। तो लॉजिक इसमें ये यूट्यूब वाला लगेगा, यूट्यूब में क्या करते थे वो जो यू की शेप में एच रो जी लेफ्ट साइड का एच रो जी राइट साइड का बराबर करते थे तभी इक्विलिब्रियम आता था, इसमें भी ये करेंगे। पर मैं ये कह रहा था कि इस पोर्शन को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं अननेसेसरी ये बेस लेता हूं फिर मैं ये हाइट भी लूंगा, क्योंकि हाइट तो बराबर है, लिक्विड भी बराबर है, तो एच रो जी इसका और इसका क्या हो जाएगा कैंसिल, तो मैं ले नहीं रहा इसे। यहां तक क्लियर है? तो अब मैंने क्या किया कि ये थीटा एंगल है और यहां से ये लिक्विड लेट अस सपोज यहां तक है इस तरीके से सच दैट ये जो एंगल है ये वाला, ये भी क्या गिवन है आपको यहां से यहां तक, ये भी क्या गिवन है आपको थीटा गिवन है, राइट? तो वैसे भी पता लग ही रहा है कि ये परपेंडिकुलर है, तो इसमें गिवन ही होगा क्वेश्चन में थीटा है 90 माइनस थीटा है 90 है तो ये थीटा हो जाता है। उसी तरीके से ये अगर थीटा है तो एक लाइन यहां ड्रॉ करूंगा मैं इस तरीके से, ये थीटा है 90 माइनस थीटा तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये कितना है 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक, ज्योमेट्री क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा, मैं ये हाइट निकालता हूं पहले, ये वाली हाइट, ये हाइट कैसे निकलेगी, क्योंकि ये रेडियस कितना है आर, इस ट्राइंगल में साइन थीटा इज दिस हाइट बाय आर, तो दिस हाइट इज इक्वल टू व्हाट आर इनटू साइन ऑफ थीटा, आर साइन थीटा, राइट? क्लियर है यहां तक? तो ये वैल्यू कितनी आर साइन थीटा, ठीक, कोई डाउट इसमें? तो दिस इज आर साइन थीटा। नेक्स्ट है, अब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इसके लिए, ये साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सपोज ये हाइट वाई है डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है इसका आर, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा इज वाई बाय आर, तो वाई इज इक्वल टू क्या आर इंटू कॉस थीटा, तो बेसिकली ये हाइट क्या आ जाएगी आर इंटू कॉस थीटा। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है, आर साइन थीटा आर कॉस थीटा यहां तक, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है, अब मुझे ये हाइट निकालनी है, इस हाइट के लिए काम करते हैं, इसको यहां तक ले जाते हैं, ये हाइट अगर r cos थीटा तो ये वाली हाइट भी एग्जैक्टली कितनी r cos थीटा, ये ली, ठीक, पर मेरे को तो ये छोटी सी हाइट निकालनी है ये वाली। इसमें से काम करते हैं हम, अगर इस हाइट को निकालना चाहते हैं, ये वाली हाइट निकालना चाहते हैं, बस ये वाली, तो ये हाइट निकाल लेते हैं छोटी वाली हाइट, ये वाली, ये छोटी वाली हाइट, ये वाली। तो जैसे इसमें ये लाइन है तो ये कितना है r cos थीटा, तो ये कितना है r cos थीटा पूरे का पूरा है, पर मेरे को तो ये हाइट निकालनी है। मैं एक काम करता हूं, मैं इसकी जगह ना पहले ये हाइट निकाल लेता हूं, ये हाइट कैसे आएगी cos sin थीटा इज इक्वल टू दिस हाइट बाय r, तो ये हाइट क्या आएगी r sin थीटा। तो आपका ये जो डिस्टेंस है वो कितना है r cos थीटा में से r sin थीटा माइनस करेंगे तो क्या बचेगी हाइट r cos थीटा माइनस r sin थीटा। तो ये जो टर्म आएगी, ये जो हाइट आएगी, ये वाली हाइट, ये हाइट, ये आएगी r cos थीटा माइनस r sin थीटा। ये स्टेप क्लियर है यहां तक? हाइट्स आ गई सारी, प्रियंका क्लियर है? तो अब इसमें हम अब प्रेशर को इक्वलाइज करेंगे, देखो कैसे। प्रेशर को इस तरीके से करेंगे, लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे प्रेशर कितना है h, जो भी ये हाइट है h, रो वन इंटू जी, h रो वन इंटू जी, राइट साइड पे, राइट साइड पे एच रो जी, इसके लिए आर कॉस थीटा इंटू इस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है रो टू है इंटू जी, और इसके लिए एच रो जी में आर साइन थीटा इंटू डेंसिटी इसकी कितनी है रो टू इंटू जी। स्टेप क्लियर है? मतलब एच रो जी इसके लिए मस्ट बी इक्वल टू एच रो जी इसके लिए प्लस इसके लिए, तो प्रेशर इक्वलाइज हो गए, तो ये इक्वेशन आ गई। तो यहां से जी जो इसको हम अगर ओपन करते हैं, या वैसे भी दिख ही रहा है कि इसमें ये कॉमन आ गया, जी आर कैंसल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके रो वन रो टू की रेशियो आ गई, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं तो ये टर्म वन हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा टेन थीटा, ये वन हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा टेन थीटा, तो रो वन रो टू की वैल्यू आ गई। एक तो मेंस का क्वेश्चन यही आया था, मार्क करो ऑप्शन, रो वन रो टू की रेशियो, एक तो यहां तक आ गया, फिर द्वारा आया क्वेश्चन, इसी को अगला एक्सटेंड कर दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में थीटा निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टेन थीटा की टर्म एक तरफ बाकी टर्म एक तरफ, तो थीटा इज टेन इनवर्स दिस वैल्यू, ये आंसर है।